इसी स्ट्रेटेजी की बदौलत सुप्रीमम क्लासेज ने जैन 2023 में बेहतर परफॉर्मेंस किया था। तो आप टेस्ट देते देते थक जाओगे, लेकिन टेस्ट खत्म नहीं होगा सुप्रीमम क्लासेज का। और सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट का आप एनालिसिस कीजिए। तो इसमें वैसे क्वेश्चन है जो IIT 2024 में उसके मॉडलिंग के बेस पर पूछ सकता है, ये हमने जस्ट गेस किया है और हमारा गेस आज तक गलत नहीं हुआ। अब बात ये थी कि क्या PYQ का क्वेश्चंस करना सफिशियंट है। एक कहावत है ना कि जीतने वाला आदमी अलग काम नहीं करता, वो उसी काम को अलग तरीके से करता है। बुक तो सभी कर रहे, प्रीवियस ईयर भी सभी कर रहे, तो आप में और उनमें क्या डिफरेंस है जो रैंक ला रहे? आप में और उनमें क्या डिफरेंस है जो रैंक को अचीव कर रहे, जो अच्छा स्कोर कर रहे? तो डिफरेंस यही है कि वो उसी क्वेश्चंस को, उसी बुक के क्वेश्चंस को वो IIT के क्वेश्चंस में मॉडलिंग करके वो उसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो या तो आप खुद एनालिसिस कीजिए या आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे नॉन प्रीवियस प्रैक्टिस सेट है, जिसको जिसका प्रैक्टिस करके अपने कंसेप्ट पर पकड़ बना सकते हैं। आप अपने पेन को स्मूथली चला सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल। जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस किए रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस किए रहेंगे प्रीवियस ईयर के अलावा, तो वहां पर भी आपका पेन स्मूथली चलेगा, ब्रेक नहीं आएगा, पेन में आपका कहीं भी ब्रेक नहीं आएगा। और साथ में आपको मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देना है। आप जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा सीखोगे, क्योंकि वहां हमें सही भी करके आना है। एग्जाम में क्या होता है कि हम जानते तो है लेकिन गलतियां बहुत ज्यादा कर देते हैं। जैसे मैं अपने JEE का टाइम बतला दूं, तो मेरा JEE मेन में 160 स्कोर था और मैंने अटेम्प्ट किया था 280 मार्क्स का। सोचिए मैंने कितना निगेटिव किया था और इजी क्वेश्चंस गलत किया था, इजी क्वेश्चन। आप भी यानी जो इस बार जैम दिए जो ड्रॉपर है उनको अच्छे से एक्सपीरियंस इसका होगा, उनको इस चीज का अच्छे से एक्सपीरियंस होगा, तो वो तो टेस्ट मिस नहीं करेंगे, ये तो मुझे पूरा भरोसा है। वो एक बार धोखा खा चुके हैं, दोबारा धोखा नहीं खाएंगे। लेकिन जो अपीयरिंग वाले हैं वो शायद उतना टेस्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप रिस्क लेकर के रिस्क लेना चाहते हैं या अभी से आप अपने सिलेक्शन को सिक्योर करना चाहते। तो हम अपनी बात बतला दे कि सुप्रीमम क्लासेज में हर एक चीज की बेहतरीन फैसिलिटी, सुप्रीमम क्लासेज में सब कुछ वो है जो आपको चाहिए। आपके लिए 3-4 डार्क फैकल्टी है, आप उनसे कभी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, DPP के क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। तो यदि आप अभी ज्वाइन कर लेते हो तो आपको अभी ही हर एक प्रैक्टिस सेट का एक्सेस मिल जाएगा। जैसे मैं आपको दिखला दूं कि ये मेरा स्टडी मटेरियल है। यदि मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, तो मैथमेटिक्स में हमने 29 DPP प्रोवाइड कर रखे हैं, 29। अभी 4-5 और DPP जाएगा। ये सारे के सारे DPP रेगुलर बैच का है, अभी क्रैश कोर्स का यानी सौर्या बैच का ये अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। ये DPP जो है वो सौर्या बैच में अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। ये अभी सारे के सारे जो DPP है ये रेगुलर बैच का है, तो 29 है। तो इसमें प्रीवियस ईयर भी है और नॉन प्रीवियस ईयर भी है। तो प्रीवियस ईयर का DPP अलग से है, उसमें केवल प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और हम प्रीवियस ईयर सबसे लास्ट में देते हैं। हम पहले बच्चों को सिखा लेते हैं, यानी आपके पास पहले नॉन प्रीवियस ईयर DPP करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उस DPP में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। अप्रोक्स यदि मैं गेस करूं तो नॉन प्रीवियस ईयर में करीब आपका 22-25 के आसपास, 24-25 हमने DPP नॉन प्रीवियस ईयर प्रोवाइड किया है केवल मैथमेटिक्स में, और 4-5 प्रीवियस ईयर के DPP होंगे, 4-5 प्रीवियस ईयर होंगे, बाकी सब के सब नॉन प्रीवियस ईयर है। तो यदि आप इतना क्वेश्चंस करके प्रीवियस ईयर पे आते हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपसे खुद पे खुद होंगे। और DPP में वैसे भी क्वेश्चंस है जो आउट ऑफ बॉक्स है, जैसा IIT सोच रहा है या जैसा IIT 2024 में सोच रहा है, हमने गेस किया। आप भी केवल गेस करोगे, हमने भी गेस किया, तो हमने एक्सपीरियंस के दम पर गेस किया। हमारे पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो हमने उस एक्सपीरियंस के बेस पर हमने गेस किया है कि IIT इस बार कैसा क्वेश्चंस का मॉडलिंग कर सकता है
और उस मॉडलिंग को ध्यान में रखते हुए हमने डीपीपी का डिजाइन किया। तो या तो आप हमसे जुड़ सकते हैं या आप खुद से भी इसका एनालिसिस कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा आप हमसे जुड़ जाएगा तो उसमें एक रफ्तार आ जाएगी, आपका एकदम ट्रैक टू दी पॉइंट हो जाएगा, तो इस चीज का एक बेनिफिट आपको मिल सकता है। यदि मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, तो स्टैटिस्टिक्स में टोटल 50 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है। सोचिए टोटल 50, हमने स्टैटिस्टिक्स में टोटल 50 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। तो इस यदि आपको लगा इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर कितने होंगे, आपको कितने हैं टॉपिक्स प्रीवियस ईयर के, माने प्रीवियस ईयर में टोटल कितने टॉपिक है, 4 से 5, 6 से 7, यही है ना। यूनिवेरिएट है, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, बाईवेरिएट है, सैंपलिंग है, इन्फ्लुएंस है और टेस्टिंग है, यही है 4 से 5, 6 टॉपिक। तो मैं कितना प्रीवियस ईयर दूंगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10, तो केवल 10 प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का है, बाकी सारे के सारे यानी 40 प्रैक्टिस सेट, 40 प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस है वो सभी के सभी नॉन प्रीवियस ईयर है। और इसमें क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर के बेस पर है, प्रीवियस ईयर तो आपसे मैं करा ही रहा हूँ तो उसके बेस पर मैं क्वेश्चन क्यों दूंगा। तो इसमें वैसे क्वेश्चन है जो IIT 2024 में उसके मॉडलिंग के बेस पर पूछ सकता है, ये हमने जस्ट गेस किया है और हमारा गेस आज तक गलत नहीं हुआ है, चाहे 2023 के एग्जाम की बात हो या 2022 के एग्जाम की बात हो या 2021 के एग्जाम की बात हो या 2020 की बात, हमारा गेस कभी गलत नहीं हुआ। मैक्सिमम बच्चों को इसमें हेल्प मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में भी आपको इस प्रैक्टिस सेट से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, बहुत ज्यादा। और अभी इतना ही नहीं, ये भी अभी जो ये प्रैक्टिस सेट है ये केवल रेगुलर बैच का प्रैक्टिस सेट, ये प्रैक्टिस सेट केवल और केवल रेगुलर बैच का है। 16 बैच का प्रैक्टिस सेट अलग से स्टार्ट होगा जो कि हम 15 सितंबर को स्टार्ट कर रहे हैं, एक 16 बैच 15 सितंबर को स्टार्ट होगा। आप यदि अभी से इनरोल करते हैं तो आपको सारे प्रैक्टिस सेट का एक्सेस अभी से दे दिया जाएगा और साथ में आपको 2 डाउट फैकल्टी भी दिया जाएगा, यानी 2 डाउट फैकल्टी प्रोवाइड किया जा चुका है। हमारे पास काफी बच्चे 16 बैच में अभी से ही ज्वाइन कर लिए हैं तो उनको हर एक प्रैक्टिस सेट का, सारे टेस्ट का एक्सेस अभी से मिल चुका है और उनको डाउट फैकल्टी भी दे दिया गया है डाउट पूछने के लिए। चूंकि अब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उनको डाउट भी होगा, कहीं कहीं उनको कॉन्सेप्ट्स या कहीं मिस्टेक्स कर रहे होंगे, तो उसको गाइड करने के लिए हमने डाउट फैकल्टी रख रखा है ताकि बच्चों को कहीं से कोई भी किसी भी तरह का तनिक भी प्रॉब्लम ना हो, यानी उनके प्रिपरेशन में किसी भी तरह का बाधा क्रिएट नहीं होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई स्मूथली होनी चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस बरकरार रहे और उनका टाइम बचे। तो ये था इतना। और रेगुलर बैच में अभी ये कहाँ है, अभी ये इन्फ्लुएंस का है, अभी टेस्टिंग बचा है और कॉन्फिडेंस इंटरवल बचा है, अभी इन्फ्लुएंस में अभी ये सभी के सभी लेवल 1 है, प्रैक्टिस स्टैटिस्टिक्स इन्फ्लुएंस मेथड ऑफ मूवमेंट एमिली लिस्ट स्क्वायर एरर, ये सब की सब क्या अभी ये बेसिक है, ये बेसिक है, बेसिक यानी लेवल 1 का ये प्रैक्टिस सेट है। अभी लेवल 2 का जाएगा, अभी जस्ट हमने इन्फ्लुएंस कंप्लीटिंग किया है, अभी हमने जस्ट इन्फ्लुएंस को कंप्लीट किया है, अभी एलए चल रहा है, ठीक है। तो अभी एलए में भी 4 से 5 और प्रैक्टिस सेट जाएगा और इन्फ्लुएंस में भी अभी मिनिमम मुझे लग रहा है कि 10 के आसपास अभी और प्रैक्टिस सेट जाएंगे, यानी ये टोटल 60 हो जाएगा रेगुलर बैच का। क्रैश कोर्स का भी अलग है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी क्रैश कोर्स का प्रैक्टिस सेट आपको अलग से मिलेगा और वो उसका वेटेज और अच्छा रहेगा, यानी उसमें और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि हमने 0 लेवल का, मॉडरेट लेवल का और जैम के पैटर्न पर थोड़ा क्वेश्चंस आपको सिखा दिया। अब IIT हो सकता है कि अपना लेवल ज्यादा इंक्रीज कर दे 2023 के कंपेयर में, या लेवल कम भी कर सकता है, हमें कोई आइडिया नहीं है, ना आपको आइडिया है और ना हमें आइडिया है कि IIT क्या करने वाला है। तो इसीलिए हम हर एक पैटर्न को कवर कर रहे हैं। यदि IIT इजी पूछेगा तो भी आप कर लो, IIT मॉडरेट पूछेगा तो भी आप कर लो, यदि IIT डिफिकल्ट पूछता है तो भी आप कर लो, यदि IIT प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर क्वेश्चन पूछता है तो भी आप कर लो, यानी हम हर एक एरिया को कवर अप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम 0.00001% का भी रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि इतना भी रिस्क, मैंने रिस्क लेने का मतलब है कि आपको 1 साल और वेट करना पड़ सकता। बच्चे तो मेहनत किए, वो अपनी जगह सही थे, लेकिन वो उतना
क्वेश्चंस नहीं किए मेहनत करने के दौरान जितना कि करना चाहिए। अब एक ही जगह कुदाल चलाई, एक ही जगह कुदाल चलाई तो गड्ढा हो जाएगा ना, क्या वहां पर फसल उगेगी? नहीं उगेगी ना, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी हट जाएगा। तो इसलिए जरूरत है हर जगह कुदाल मारने की, हर जगह कुदाल मार, ताकि जब आप खेती करो तो फसल उगे। यहाँ धोखा देगा तो यहाँ से फसल निकलेगा, अनाज निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि 5 बीघा का जमीन है, 5 एकड़ का जमीन है, बारिश आ गया या कुछ हो गया तो 1 एकड़ खराब हो गया, तो 4 एकड़ तो बचा ना, 4 एकड़ में अनाज तो उगाना। तो इसी टाइप से आप हर एक एरिया को कवर कीजिए, प्रीवियस ईयर, नॉन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर टेस्ट जो IIT ने अभी तक ले चुका है उसका टेस्ट पेपर, नॉन प्रीवियस ईयर टेस्ट पेपर, ताकि आपका हर एक एरिया अच्छे से कवर हो। और ये सारी फैसिलिटीज, सारी फैसिलिटीज सुप्रीमम क्लासेज में बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से विथ डाउट फैकल्टी भी और लाइव क्लास भी होगा। सौर्या बैच में क्या होता है कि हम एक एक टॉपिक्स का रिवीजन कराते हैं, फिर क्वेश्चंस का मॉडलिंग कराते हैं, दुनिया भर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इतने प्रैक्टिस सेट है तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं डिस्कस भी करूंगा। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, दुनिया भर के टेस्ट होंगे, मिनिमम आपका 60 फुल एंड प्रैक्टिस सेट होगा। और ये हमारे पास है, अभी हम और न्यू टेस्ट बनाते जा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टेस्ट ऐड होते जा रहा है। यदि आप प्रूफ के तौर पर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो। यदि आप देखना चाहते हो तो ये हमारे पास टोटल कितने टेस्ट है आप काउंट कर सकते हो, ये टोटल हमारे पास ये 54 टेस्ट है। ये इतना टेस्ट अभी हमारे पास रिजर्व है, यानी आप इतना टेस्ट दे सकते हो। और इसके अलावा और भी कई नए टेस्ट बनते जा रहे हैं। अभी इतना ही नहीं है, अभी और भी हमारे पास टेस्ट है जो कि इनएक्टिव है, उसको हम एक्टिव कर देंगे बहुत जल्दी ही, ठीक है। और भी हमारे पास टेस्ट है, जैसे देखिए ये सारे के सारे टेस्ट इनएक्टिव मोड में, ये सारे के सारे टेस्ट क्या है, इनएक्टिव मोड में, देखिए रेड है ना, ये सारे के सारे टेस्ट इनएक्टिव मोड में, इनएक्टिव है वो प्रीवियस, देखिए यहाँ पर रेड है, यहाँ पर आप देख सकते हो रेड है। तो ये सारे, ये ना सीवीटी में भी स्टैच था, तो हमने सीवीटी में टोटल 12 टेस्ट लिया था, तो ये भी है। इसके अलावा और भी टेस्ट है, देखिए ये सब सीवीटी के टेस्ट है और ये सब जैन का टेस्ट है, स्पेशल टेस्ट 2 MS, स्पेशल टेस्ट 2 MA, ये सारे के सारे क्या है, जैन के टेस्ट। तो यहाँ भी 34 है, तो यहाँ 34 और वहां कहाँ कितना था, 54, यहाँ पर आपका 54 टेस्ट, आपको मैं एक बार फिर से दिखला दूं, ये यहाँ पर टोटल 54 टेस्ट है, आप देख सकते हैं, देखिए टोटल 54 टेस्ट, 34 वहाँ, 54 यहाँ, जोड़ लीजिए, इतना हमारे पास टेस्ट भी रिजर्व है, यानी आपके पास एटलीस्ट 80 टेस्ट देने के लिए है, 80 टेस्ट, इसमें से करीब कितना 14 टेस्ट प्रीवियस ईयर है, तो 14 टेस्ट को हटा दीजिए, 14 टेस्ट को आप हटा दीजिए, तो इतना आपके पास नॉन प्रीवियस ईयर देने के लिए टेस्ट। तो आप टेस्ट देते देते थक जाओगे, लेकिन टेस्ट खत्म नहीं होगा सुप्रीमम क्लासेज का। हम और न्यू टेस्ट बना रहे हैं जो कि 1 नवंबर तक बन के आपका तैयार हो जाएगा, और 1 नवंबर से लेकर के 15 जनवरी तक जो होगा वो टेस्ट 2024 का, इस साल का फ्रेश टेस्ट होगा, ठीक है। यदि आपको और भी स्टडी मटेरियल अच्छे से देखना है तो देख लीजिए, ये हमारा टोटल मैथमेटिक्स का DPP है, ये मैथमेटिक्स का, ये केवल और केवल मैथमेटिक्स का। तो देखिए मैं PYQ लिख दिया, तो PYQ कहाँ है, एक PYQ यहाँ है DPP 2022, एक PYQ यहाँ है DPP 29, इसके बाद और भी PYQ होंगे, देखिए DPP 16, ये PYQ है, DPP आपका 17, 18 ये भी आपका PYQ है। यानी यदि टोटल देखा जाए तो इसमें ना बहुत सारे DPP ऐसा है जिसका हमने नंबरिंग नहीं किया, तो वो 30 पार हो चुका है। तो जैसा हमने प्रॉमिस किया था रेगुलर बैच में बच्चों को कि आपको मिनिमम 100 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा, उस प्रॉमिस को सुप्रीमम क्लासेज ने पूरी विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ पूरा किया। और साथ में हमने ये भी बच्चों को कमेंट किया था सौर्या बैच में आने के बाद, ये बाद में नहीं था क्योंकि बच्चे हमें ज्वाइन किए तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी क्वेश्चंस को करने में, तो इसलिए हमने उनके हेल्प के लिए 2 डाउट फैकल्टी रख दिया, एक मैथमेटिक्स का और एक स्टैटिस्टिक्स का, ताकि बच्चे फ्रिक्वेंटली डाउट पूछ सके और साथ में आप मेरे से भी डाउट पूछ सकते हो। तो सुप्रीमम क्लासेज
बिल्कुल ट्रस्टेबल कोचिंग है, आप हम पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं, हम आपके विश्वास पर पूरी तरह से खड़ा उतरेंगे और आप हमारा कोर्स ज्वाइन करके आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, एक्सेलरेट कर सकते हो। यदि आप चाहो तो हमारा जो 15 सितंबर से सौर्या बैच लॉन्च हो रहा है आप उसमें इनरोल कर सकते हो। यदि आप अभी इनरोल करते हो तो आपको अभी ही हर एक प्रैक्टिस सेट का एक्सेस मिल जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं कभी और विचार करेंगे वीडियो के आपके लिए हम और हेल्प कर सके और अच्छा वीडियो बना सके ताकि आपको आपके प्रिपरेशन को बूस्टअप मिलता रहे। धन्यवाद।